स्टूडेंट्स हाउ आर यू विल बी फाइन आई सो आज हम फिक्र कर रहे हैं छोटे से एम सी क्यू का और ये भी एक तरह का जबानी सवाल है लेकिन एम सी क्यू में आप गलती कर जाते हैं देखते हैं क्या गलती होती है और कैसे आपसे सीखते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स आपको दिए जा रहे हैं ठीक है और फॉस्फोरिक एसिड इसका फार्मूला आपको आना चाहिए एस थ्री पी ओ फोर प्रोड्यूस मोल ऑफ हाइड्रोजोनाइन तो अगर आप एच थ्री पी ओ फोर को देखें तो ये ट्राई बेसिक एसिड है इसको तीन अलग अलग स्टेप में भी आयोनाइज किया जा सकता है बट मैं इसको एक ही स्टेप में कर रहा हूँ यानी अगर ये फुली आयोनाइज हो जाए तो थ्री हाइड्रोजन आयन देगा और पी ओ फोर बाकी बचेगा ठीक है दे? अब देखें अब सवाल ये है कि अगर ये एक मोल होता तो ये जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है ये एक मोल है और ये मोल दे रहा है आपको हाइड्रोजन आइन लेकिन वो कहता है कि हमें मोल तो तो हाइड्रोजन होते हैं तो अगर आपके पास होंगे, तो उसका थ्री टाइम्स ही तो हाइड्रोजन आइन बनेंगे मतलब उससे तीन गुना ज्यादा तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कुछ लोगों को परेशानी होती है पॉइंट में तो आप सोचा पॉइंट है ही नहीं इट इज ट्वेंटी लेकिन पॉइंट लगाएंगे दो के बाद तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इट इज एन अदर आंसर इज वेरी इजी ठीक है जी तो इसको आप क्विकली कर सकते बस आपने याद कर रहे हैं कि जितने मोल्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड होंगे द हाइड्रोजन आइन विल बी थ्री टाइम्स मोर और इस तरीके से आपका आंसर निकालने में आसानी रहेगी इसको भी हल करने की जरूरत नहीं है इनशाला जुबानी आप से हल कर लेंगे तो बहरहाल मुश्किल था था इसमें ये इशू हो जाता है कि कभी कभी आपके पास होता ही है कि वो फॉस्फेट के बारे में पता कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको बंद सबर करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा जितना फॉस्फोरिक एसिड होगा उतना ही क्या होगा फॉस्फेट आइन होंगे मतलब अगर वो जीरो पॉइंट मोल होंगे तो भी इतने ही होंगे और वहां आप क्या करते हो गलती करते हो कहते हो, हो सेम तो हो नहीं सकता कोई और आंसर होगा तो फिर आप आंसर कोई और लगा देते हैं ठीक है जी थी? तो बहरहाल ये आंसर इतिहास से देखिएगा कभी कभी जवाब यानी जो सवाल पूछा जाता है जवाब भी वही होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बदल भी जाए तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखें और आप कुछ आला से कर लेंगे तो बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप कुछ आपको यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है तो दूसरे को भी सीखने का मौका दें उनके साथ भी शेयर करें अल्लाह हाफि अपना ख्याल रखें